मोहम्मद नवाज, बस अल्लाह देरा पूरी कर रहे हैं। अपना मिशन है मसवाक बेचने का। हमारे इलाहाबाद वाले सज्जन साईं पीर मुर्शिद हैं, जिन्होंने बोला दाढ़ी दिखाओ और मसवाक दिखाओ, कि मसवाक के कितने फ़ायदे हैं। शैतान के दुश्मन चल रहे हैं, अल्लाह रोज़ी दे रहे हैं, गाड़ी चल रही है, दाल रोटी मिल रही है। बस मैं बता रहा हूँ ना, अब सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ में। बाकी आजकल के जो डॉक्टर हैं ना, वो नहीं है। क्या खाया था, क्या पिया था, तो ठो के ड्रेप लगा देते, निकालो भाई 1500-1200। अब होगा तो भरेंगे, अब वही गोलियों पे काम चला रहे हैं। कभी मोशन वाली गोली खा लेता हूँ, कभी पोस्टान की आधी गोली खा लेता हूँ, जरा रुक जाता। ये बात फिर बैसाखियों पे चलता रहा। फिर बैसाखियाँ भी पड़ी भी हैं, कोई आता है मांग के ले जाता है, देता है, लो भाई। ये ना कोई कह बहाना बना रहा है, कोशिश करता हूँ कि वजन दूँ। हाँ, सिर्फ बैठने उठने में तकलीफ होती। नमाज में पूरा सही मैंने सीधे में नहीं जा सकता, इशारों में पढ़ लेता हूँ। बस ये इतने कुर्सी है ना, ये सही बैठा हूँ, इससे नीचे नहीं। कभी ये लालू के, कभी इधर, कभी इधर। बस दिन पूरा करना होता, ज़्यादा पहले दूर जाता था, अब ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसका फल जो है ना मिलता है, मेहनत में हलाल है, समझे। झूठ बोलेंगे हराम हो गया, मकर करेंगे झूठे। जैसे देखता हूँ मैं आते हैं, किसी ने बच्चे को उठा रखा है, किसी ने कुछ, और क्या अपना नसीब ले जाते, अपना बैठे। अब जुमे के दिन मस्जिद मुकर्रर है, बोले आलिम ने बोला जूतियाँ नहीं जानी चाहिए बाहर, दो तीन जूतियाँ शोपर में डालते हुए जाते हुए पकड़ें, हाँ मेरा रोज़ी भी बन जाती है, मसवाक भी बिक जाती है। अल्लाह का शुक्र है, रमज़ान शरीफ में अपने यहाँ को बीमार है, घर राशन पहुँचा देते, हो जाता है, अल्लाह कर देते पूरी। हाँ, अल्लाह पे भरोसा है, बस झूठ बोलना नहीं है। उम्र जो है ये समझो 75 में जा रहा हूँ। हाँ, ये 14 अगस्त जो है ना, जिस दिन पाकिस्तान में ना, ये मेरा पैदाइश का दिन है। अब 75 साल होगा कि नहीं। सुबह 7 बजे निकलता हूँ, ये है ना अपना समा प्लाजा, वहाँ 7 बजे पहुँच जाता हूँ, 10 बजे तक वहाँ बैठता हूँ। उसके बाद 10 बजे बाज़ार खुल जाते है, फिर बाज़ार में घूमते रहते हैं नमाज का टाइम मस्जिद में। 5:30 बजे तक हमने देख लिया, 5:30 बजे के बाद घर, मगरब अभी घर जाके पढ़ेंगे। ये हो जाता है 2000-1500। हाँ, इतने तो हो ही जाते। बच्चे हैं 3 बेटे और 4 बेटियाँ। हाँ, मैं इधर आ गया ना, मेरे पास बेटियाँ मेरे साथ हैं, बेगम मेरे साथ है, छोटा बेटा भी मेरे साथ। बेवा होके बैठी हैं, खामन छोड़ के भाग गए। एक में से एक बच्चा है, दूसरी में से 3 बच्चे। हाँ, बेटी के समझो 3 बेटे हैं। बच्चे माशाल्लाह उनकी शादी कर दी है, 2 की, एक रक्षा चला रहा है, समझे, अपना गुजारा कर रहे हैं। बड़ा जो है गरीबाबाद में रहते हैं। बस अल्लाह पूरा कर रहा, मैं क्या कर सकता हूँ, करने वाली अल्लाह की ज़ात। फाटक तक पैदल जाता हूँ, फाटक के बाहर ऊपर बैठता हूँ, क्योंकि ये खड्डों में फंस जाती है। कोशिश करते हैं कि भाई घुटनों पर वजन आए। एक दफ़ा ड्रम गिरा था, ज़ख़म नहीं आया। एक दफ़ा पेपर का रोल गिरा था, जब TPS में पलेदारी करते थे। 3 महीने बैसाखियों पे चला, बोतल गली में मला मला के, अब बोले एक्स निकालो, ये करो वो करो। एक्स मैंने भी नहीं कराया भाई, कहीं ऑपरेशन की नौबत ना आ जाए। अभी चलो थोड़ा बहुत चलते रहें, कहीं चलने से बेजार हो जाए। ऐसे तो बहुत ज़रा दिमाग काम करें ना, अभी ज़रा थका हुआ हूँ। हाँ, जुमे के दिन ये अपना टेलीग्राफ वाली मस्जिद,
जीपीओ के उरली साइड पे ये ख़त्म हो रही है। फिर जीपीओ में जब से ये बारिश की पेशेंट गोई हैं, इसको लपेट के रख दिया था। दाल रोटी मिल जाती है, देने वाली अल्लाह की जात है। अब एक दिन हफ्ते को पेशेंट कोई बारिश, बच्चों ने किसी ने निकलने दिया, मैं कहता था फाटक तक घूम के आऊँ, ये पीछे की साइड पे वो देखा मैंने, झाग दी, मैं कहा पत्थर है पाँव रखा था, पाँव सीधा गटर में, घुटने वहीं, जो दुखी भी जी वही जगह लगे। अब गोलियां खा रहा हूँ, वक्ती तौर आराम आ जाता है। डॉक्टर बोलते बाबा वक्ती तौर रहेगा, ये तो कुछ देसी हो जो इस मर्ज़ को जड़ से निकाले। अब देसी यहाँ कोई नहीं है, पंजाब जाना पड़ेगा। ये ड्रम गिरा था, हाँ पता नहीं रंग का ड्रम था, पता नहीं कितने टन वजन था, वो उसको हम धक्का दे के साइड पे खड़ा करते थे, तो दूसरा और उसने टायर पे फेंका, वो उछला मेरे टांग के ऊपर गिरा। दवा कुरंगी में रूल उतार रहे हैं, मैं नीचे उसको सहारा दे रहा हूँ, ऊपर दो आदमी खड़े हैं, नीचे मैं अकेला हूँ, नहीं संभला गया, पाँव पे आके टिक गया, पाँव खींचा तो गिट्टा निकल गया। हाँ पलेदारी, पलेदारी।